हेलो गाइज, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज, आज फिलहाल उठने में देरी हो चुकी है, ऑलरेडी 12 बज चुके हैं। कल होली थी तो काफ़ी लेट हो चुका था सोने में भी। अभी मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं, आप सबका प्यार हमेशा बने रहे, और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो ऑल्सो। आज मैं एक छोटा सा एक रेंडम ब्लॉग बना रहा हूँ, स्मॉल सा, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा मेरा वर्क प्लेस और मैं वहाँ पर कैसे क्या कुछ करता हूँ, ये सब चीज़ें, मतलब दिन का डेली रूटीन जो भी है। अभी मैं फिलहाल पहले नहाता हूँ और उसके बाद आपको दिखाता हूँ आगे की चीज़ें। आज पहला मेरा एक्सपीरियंस है, मैं सावर में नहाऊंगा, ऑलरेडी पार्ट टब में, तो मेरा पहला एक्सपीरियंस रहेगा पार्ट टब में नहाने का। तो मैं आपको दिखाता हूँ पहले अपना पार्ट टब, वो ऑलरेडी रेडी हो रहा है, मैंने पानी फिल करने के लिए ऑलरेडी ओपन किया है, वहाँ उसमें पानी भर रहा है, वो जैसे मिल जाएगा रेडी, मैं आपको दिखाता हूँ। पहले नहाते हैं, उसके बाद रेडी हो गए फिर निकलेंगे। Myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. फिलहाल मैं उठता हूँ, नहाना धोना तो हो गया, ठंड भी लग रही है, गर्म पानी आ रहा है, जैसे बाहर निकलूंगा तो ठंड महसूस होगी। तो हो चुका है ऑलरेडी हाफ एन आवर इसके अंदर, तो फिलहाल निकलता हूँ यहाँ से और जल्दी रेडी होकर आपको दिखाता हूँ आगे का। तो गाइस, मस्त नहा धो के रेडी हो चुका हूँ और फिलहाल निकलते हैं, जैकेट वैकेट भी पहन ले क्योंकि बाहर बहुत ठंड है आज। तो दिखाता हूँ, बस ड्यूटी के लिए निकल रहा हूँ फिलहाल। और आज जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था पहले कि आज मैं कुछ अपनी वर्क लाइक काम के बारे में दिखाऊंगा कैसे क्या करता हूँ, एंड आई विल शो यू हाउ टू मेक ए कॉकटेल एज वेल। तो देखो, मिलते हैं आगे, चलो निकलते हैं। तो गाइस, कुछ इस तरह का सीन है और काफ़ी ठंड है, सामने धूप भी आई हुई है बट इतना ठंड तो काफ़ी है, शायद मेरी आवाज़ की तरह आ रही नहीं आ रही है, पर ठंड का एहसास हो रहा है। तो गाइस, फिलहाल पहुंच चुका हूँ ये टाउन सेंटर की तरफ, यहाँ पर आप बोटिंग देख सकते हो। ये बोट जो है ना, ये फिश बोटिंग है, मतलब लोगों की अपनी पर्सनल बोट होती है, यहाँ पर लोग यहाँ से फिशिंग बोट बोल सकते हैं इनको, अपनी अपनी बोट लेके यहाँ पे लोग फिशिंग के लिए जाते हैं। देखो कितनी बढ़िया बढ़िया बोट्स हैं यहाँ पे लोगों की, कुछ इस तरह की, मतलब ये जैसे गाड़ियों की पार्किंग्स होती है, यहाँ पे बोट पार्किंग है लोगों की अपनी पर्सनल बोट्स। और सामने देखिए कुछ पहाड़ी का बढ़िया व्यू आ रहा है एकदम। चलो आगे दिखाता हूँ, आगे आगे चलते चलते, काफ़ी अच्छी स्ट्रीट है एकदम, देख सकते हैं आप यहाँ के घर, देखिए पहली चीज़ आपको इन्हें देखते ही मज़ा आएगा, कुछ इस तरह का व्यू। और आज काफ़ी ठंड है यार, काफ़ी ठंडा भी आ रहा है, मज़ा आ रहा है। ये देखो लोग, मैंने तो इतनी जैकेट पहन के आ रही हूँ, लोग निक्कर में घूम रहे हैं। आप यहाँ से देखिए कितना बढ़िया व्यू आ रहा है सामने पूरा एकदम, ये पानी इतना ठंडा है और हवा ऐसी चल रही, मेरी आवाज़ आप तक क्लियर आ रही नहीं आ रही, बट बोलने भी थोड़ा प्रॉब्लम। बस यहाँ से सामने मेरा वर्किंग एरिया है, बस वहाँ पे पहुँचता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ आगे। तो गाइस, फिलहाल बाहर में तो पहुँच चुका हूँ और ये कुछ इस तरह का व्यू है, थोड़ा बिजी हो गया था मैं अपना सेटअप वेटअप करने के चक्कर में। अपस्टेयर वहाँ पे एक इंडियन रेस्टोरेंट है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा,
ये आपका सीटिंग एरिया, मतलब ज़्यादा सीटिंग एरिया कुछ बड़ा नहीं है, फिर भी इनफ कुछ ऐसा, मतलब ये एक ब्रिटिश पब जिसे आप बोल सकते हो। यहाँ पर एकदम लाइव फायर चल रही है बिकॉज आउटसाइड काफ़ी ठंड है, तो वी आर यूजिंग लाइक यू नो हम ऐसे फायर यूज़ करते हैं वुडन एकदम। अब दिखाता हूँ आगे अपना अपना बार, लाइक ये हमारी फ्रेश बियर चलती है यहाँ पे, मैदरी लाइक लागर मेलवेडर गिनिश, दिस इज़ ए फेमस बियर बिकॉज आइलैंड का है यहाँ पे, तो काफ़ी फेमस है। तो ये कुछ इस तरह का बार है यहाँ पे, तुम्हारा ये सब चीज़ें हो गया कुछ बार ऐसा, काफ़ी पीसफुल है बट अलग अलग ड्रिंक्स लिक्योर्स एवरीथिंग यहाँ पे मिल जाएगा। फिलहाल मेरा ऑलमोस्ट सेटअप हो चुका है क्योंकि आज ज़्यादा बिजी भी नहीं है, तो हल्का फुल्का मैंने मीजा किया है यहाँ पे। दिस इज माय कॉकटेल सेक्शंस लाइक, ये फ्रेश बियर है यहाँ पे, काफ़ी शानदार है। अब मैं फिलहाल दिखाऊंगा जैसे कोई गेस्ट एंटर करता है, तो उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा अपना लाइक कॉकटेल्स कैसे बनाते हैं क्या बनाते हैं। तो मेरी यहाँ पे कॉकटेल्स किट्स एवरीथिंग, नाइफ स्ट्रेनर ओपनर बार स्पून एंड दिस इज माय मीजा फॉर द गार्निशिंग एंड एवरीथिंग। लाइक आज ये बहुत कम है क्योंकि इतना बिजी नहीं है, और फ्राइडे सैटरडे कभी मैं आपको दिखाऊंगा तो फुल रहता है यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं तुम्हारा, लेमन्स लाइक ऑरेंज बेरीज रोजमेरी, तो ये सब चीज़ें हैं। और फिलहाल कॉकटेल सेकर्स यहाँ पे कुछ इस तरीके से, तो ये है पूरा बार का व्यू। तो गाइस फाइनली चाय भी आ चुकी है, थोड़ा चाय पीते हैं क्योंकि ठंड काफ़ी है, उसके बाद काम स्टार्ट करेंगे अपना जो कुछ भी है छोटा मोटा। उतना रश तो नहीं है, नो बुकिंग्स, कोई बुकिंग भी नहीं है आज, तो वाइट है काफ़ी, देखते हैं। फिलहाल चाय पीते हैं, एक बार दिखा देता हूँ 360 राउंड दिखाता हूँ अपने बार का, इस तरीके का बार है, काफ़ी मज़ा आएगा। फिलहाल चाय पीते हैं और आगे का भी, मेरे पास गेस्ट आ चुके हैं काफ़ी वेट करने के बाद, आप देख सकते हैं। तो गाइस मैं एक मस्त कॉकटेल बनाने जा रहा हूँ, आई होप आपको पसंद आएगा, दिस माय सिग्नेचर कॉकटेल एक्चुअली, तो मैं आपको दिखाता हूँ बनाते हुए कैसे बनता है। तो गाइस कुछ इस तरह का मेरा वर्क प्लेस था जहाँ पे अभी मैं यहाँ पे बार्टेंडिंग में हूँ। तुम सोच रहे हो भाई दिवाली वाली लाइट क्यों लगेगा इस, तो यहाँ पे क्रिसमस में ऐसे सजाया जाता है, तब से ये लाइट यहाँ पे लगी पड़ी है, तो अभी तक रिमूव नहीं की बट काफ़ी अच्छा दिखता है, ऐसे पॉजिटिव वाइब्स आते हैं। आज तो काफ़ी रश नहीं है, कभी मैं आपको दिखाऊंगा लाइक वीकेंड टाइम लाइक फ्राइडे सैटरडे, तो उस टाइम बहुत सारा यहाँ पे मतलब क्राउड रहता है, आज बिल्कुल शांत है, फिर भी मैंने अपने एक ट्रायल के लिए आपको एक ड्रिंक बना के दिखाया था। तो इस तरह का कुछ है, काफ़ी अच्छा बार है, इट्स लाइक ए पब, ब्रिटिश पब लाइक ब्रिटिश अल्कोहल जो भी यहाँ पर चलता है एकदम फ्रेश, काफ़ी मज़ा आता है काम करने में।
ये आउटसाइड एरिया, बाहर तो काफ़ी ठंडा है गाइस, और इसलिए हमने यहाँ पे आग जला के रखी है ताकि हम सरवाइव कर सकें। तो गाइस रात के बज चुके हैं 11 और घर जाने का काफ़ी मन कर रहा है, बट क्या कर सकता हूँ। आप देख सकते हो अभी तक मेरे कस्टमर यहाँ पर बैठे पड़े हैं, बट मैं उन्हें भेजने की कोशिश भी कर रहा हूँ, बट वो जाने के लिए रेडी नहीं है, बिकॉज होता है ना आफ्टर ड्रिंक लाइक तो हो गया, तो मैं कुछ बोल भी नहीं सकता, यही ड्यूटी है हमारी, गेस्ट इज गॉड हमारे लिए तो। बट बाय द वे आपने शुरू से मेरी वीडियो देखी होगी, और प्लीज़ सपोर्ट मी गाइज, सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब यूके बॉय इन यूके, प्लीज़ आई नीड यूअर सपोर्ट, आई विल देन आई कैन शो यू माई लाइक यू नो नेक्स्ट वीडियोज एंड और बहुत कुछ दिखाने वाला हूँ इस आईलैंड में जब तक मैं यहाँ पर हूँ, तो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग टू माई वीडियो एज वेल। तो बस थोड़ी देर में निकलता हूँ घर, जैसे ये जाएंगे बस मैं भी इनका इंतजार करता हूँ, जैसे ये लोग जाएंगे मैं भी यहाँ से निकलता हूँ घर को, क्योंकि भूख भी बहुत लग रही है सुबह से यार, कुछ खाया भी नहीं है, हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट करा था और मैं डायरेक्ट आ गया यहाँ पे, और या बाकी तो सब ठीक ही चल रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ चैनल पर न्यू सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना यूके बॉय इन यूके को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और भी आगे मैं कुछ अपनी वीडियो तो मैं दिखा पाऊँ। ये ज़्यादा मैंने इतना बड़ा ब्लॉग नहीं बनाया, जस्ट मैं शो करना चाहता था कि मैं अपना वर्क प्लेस मैं दिखाना चाहता था, बस छोटा सा ब्लॉग है। प्लीज़ कीप सपोर्टिंग, मिलते हैं गाइस जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग पे।